गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्वेता पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आंचल एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। सो गाइस, मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 पढ़ा रही थी, रियल नंबर। सो मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन लामा डिटेल में समझा दिया है एंड फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया है। आज हम आपको सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1, क्या वो 6q+1 के फॉर्म में हो सकता है, या फिर 6q+3 के फॉर्म में, या फिर 6q+5 के फॉर्म में हो सकता है, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, जहाँ पे क्यू एक कोई सम इंटीजर है। सो इसे हम पहले सॉल्व करेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखते हैं बाई यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या कहता है। हमारे पास फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे a हमारा डिवाइडेंड है, b हमारा डिवाइजर है, q हमारा क्वाइटेंट है एंड r हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब हमें इसमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम a को मान लेते हैं, हमारे पास डिवाइडेंड भी नहीं है, डिवाइजर भी नहीं है, तो हम इसे एज्यूम करेंगे। तो हम पहले मान लेते हैं लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है एंड हम b इक्वल टू मान लेते हैं 6। b इक्वल टू 6 हमें जो ये वैल्यू दी है 6q+1, तो हम ये डिवाइजर जो है इसे 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है, हमने मान लिया है लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। यहाँ पे देखिए 6q+1 है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो हमें डिवाइजर क्या मिलेगा, तो हमें डिवाइजर 6 मिलेगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो r जो होगा बच्चों हमेशा वो 0 से तो ग्रेटर होगा। ठीक है, r इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 6। ये 6 से तो छोटा होगा बट 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे r की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, आप अज्यूम करिए 0 से स्टार्ट हो 6 पे खत्म हो, तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है। तो r इक्वल टू हम पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, देन 4 एंड देन 5। तो हमें 6 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू का देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम 6 से छोटी वैल्यू लेंगे, 6 के बराबर वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 को नहीं लिया है। क्लियर बच्चों, तो इसे हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन में जो हमारे पास जिस फॉर्म में हमें इसे फाइंड करना है, तो हमें 6q+1 के फॉर्म में फाइंड करना है। तो इसी में हम पहले वैल्यू पुट करेंगे, तो r इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो, और हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम क्या है, हमारा a इक्वल टू क्या है बच्चों, इक्वल टू 6q a इक्वल टू bq+r। तो यहाँ पे अब हमें वैल्यूज पता चल गई है, ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है ये तो हमने ले लिया है। तो अगर हम यहाँ पे r इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या आएगा, तो हमारा b की वैल्यू 6q+0। तो ये इवन होगा बच्चों की ऑड होगा। अब देखिए ये जो भी होगा ये 6 के मल्टीपल में होगा। तो अगर हम यहाँ पे अगर 6 का टेबल लिखें तो 6 1 6 6 2 12, तो मल्टीपल में जो वैल्यूज आएंगी वो इवन होंगी, 6 के मल्टीपल में आएगा। सो इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये वैल्यू इवन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम r इक्वल टू 1 पुट करें इसमें तो क्या आएगा, 6q+1 आएगा। ठीक है, तो 6q+1 आएगा तो ये वैल्यू ऑड हो जाएगी, ये 6 के मल्टीपल में ये नंबर आएगा। अब 6 के मल्टीपल में जो नंबर आ रहा है उसमें अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं तो वो ऑड बन जाएगा कि नहीं बच्चों, मान लेते हैं 6 2 12, अगर हम यहाँ पे कर दें 6 × 2 12, तो ये 12 हो गया। ठीक है, तो 12 में अगर हम कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 हमारा है ऑड नंबर। इसलिए जब भी 6q+1 के फॉर्म में आ गया तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, इसे हम ऑड कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आगे वैल्यू देख लेते हैं, r इक्वल टू अगर हम 2 पुट करें तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6q+2 आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा। जैसे कि आप अगर कोई भी मल्टीपल देख लें
तो 12 में, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, तो हमारा इवन नंबर है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारा इवन आ जाएगा। ऐसे ही हम r इक्वल टू 3 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6q+3 आएगा, जो कि हमारा ऑड नंबर बन जाएगा। r इक्वल टू अगर हम 4 पुट करें तो हमारा 6q+4 आएगा, जो कि हमारा क्या बनेगा बच्चों, इवन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब r इक्वल टू अगर हम 5 फुट करते हैं, r इक्वल टू अगर हम 5 फुट करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 6q+5, और ये हमारा क्या बनेगा, ऑड बनेगा। क्लियर है बच्चों आपको। तो इसने हमें क्या पूछा था कि ये एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, क्या कोई ऐसा ऑड इंटीजर है जो किस फॉर्म में हो, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि 6q+1 ऑड है, हमें नंबर रखने पे इस फॉर्म में 6q+3 एंड 6q+5, ये हमारे क्या मिले हैं, ऑड मिले हैं। तो हम कह सकते हैं एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।